हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आज मैं सनफ्लावर सीड्स निकालने जा रही थी, तो मैं आप लोगों को शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे कलेक्ट करना है सनफ्लावर सीड्स। अभी मैं इस सीड पॉट को काटने जा रही हूँ। इस तरह से एक हाथ में मेरी मोबाइल है, मैं मोबाइल से वीडियो कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सीड पॉट काट ली है। अभी हम इसे अपने थंब के मदद से इसे निकालेंगे। एक एक करके जो काले काले हैं, जो ब्लैक कलर की आपको सीड्स देख रहे हैं, वही हमको निकालने हैं अपने थंब के मदद से। जो वाइट वाइट आप लोगों को दिखाई दे रही है वो बेकार है, वो हम फेंक देंगे। जो मोटे मोटे काले काले हैं वही न्यू प्लान बनेंगे, हमें न्यू प्लान मिल जाएगा काले काले मोटे मोटे सीड से। फ्रेंड्स, आप सनफ्लावर सीड्स को अभी भी लगा सकते हो। जो ये न्यू सीड्स मिल गए हैं, इसे फिर से हम लगा सकते हैं। फिर से लगाने के बाद इसमें फूल आएंगे और फिर उन फूलों में से हमें और सीड्स मिलते ही रहेंगे। हम इसे विंटर में भी लगा सकते हैं या समर में भी। मैंने तो विंटर में भी लगाए हैं। इसके फूल बहुत अच्छी तरह से खिलते हैं विंटर में भी और समर में भी। ये समर फ्लावर ही है फ्रेंड्स, सनफ्लावर। गर्मी में बहुत अच्छे से खिलते हैं ये। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग। और मैं नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए बाय। Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before.